वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर खुर्शीद और आज के वीडियो में लाया हूं लार्सन एंड टुब्रो से जो वैकेंसी आई है, बम्पर वैकेंसी है, फ्रेशर के लिए भी है और भी एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर के लिए भी है। इसमें आप देखें स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट डेट अप्लाई का जो है 31 मार्च 2021 है। ये सारे पोस्ट जो भी हैं यहाँ पे दिख रहे हैं और जो लोकेशन है एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये सब जो वैकेंसी आई है उसके लिए पहला पोस्ट है प्रोजेक्ट डायरेक्टर का, दूसरा है हेड सेफ्टी का, तीसरा एग्जीक्यूशन इंचार्ज स्टेशंस मेट्रो, चौथा है हेड क्यूए क्यूसी और पांचवा है प्रोजेक्ट मैनेजर मेट्रोज का और छठा है हेड प्लांट एंड मशीनरी। तो ये सब जो भी आपको मैंने बताया, ये सब मेंशन पोस्ट तो एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है, एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन फ्रेशर के लिए भी है। जैसे फ्रेशर के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेशर अप्लाई हेयर और इसमें अगर आपके लाइक इसमें मेंशन पोस्ट नहीं है तो आप फ्यूचर के लिए इनको आप अपना CV भेज करके रख सकते हैं। तो ये फ्यूचर में जब भी आपके लाइक वैकेंसी आएगी तो ये आपको कंसीडर करेंगे, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहली वैकेंसी की जॉब डिटेल से। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पोस्ट है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए इसमें एज जो है 20 से 25 साल का होना चाहिए। लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया पहले बता चुका हूँ। क्वालिफिकेशन जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सिविल या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग से, एक्सपीरियंस 20 से 25 साल का खोज रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा ये एज लिखने में इनको गलती हुआ है, यहाँ पे 20 से अगर 25 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो एज तो ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका ये एज जो ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपीरियंस यहाँ पे 20 से 25 साल प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए लिख रहे हैं। कंपीटेंसीज स्किल सेट डिजायर्ड, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फ्लुएंट इन हिंदी, सेफ्टी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, टीम लीडरशिप, प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बाकी डिटेल्स भी आप देख लीजिएगा, मैं बताऊंगा कहाँ पे देखना है आपको, वीडियो के अंत में सारा बताऊंगा। और जो अप्लाई का बटन है अप्लाई फॉर जॉब, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अब आते हैं दूसरे पोस्ट पे, ये है हेड सेफ्टी का। इसकी रिक्वायरमेंट मैं बताता हूँ, एज जो है से 40 से 50 साल तक होना चाहिए। लोकेशन जैसा कि पहले बता चुका हूँ एनीवेयर इन इंडिया है। क्वालिफिकेशन इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल भी चलेगा, सिविल है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है। 20 से 30 साल एक्सपीरियंस खोजते हैं और इसमें इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से। 20 से 30 साल एक्सपीरियंस उनके लिए भी मांगते हैं। लेकिन ये जैसा कि सेफ्टी का पोस्ट है तो ये इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा के साथ उनको और चीज़ें भी जो सेफ्टी से रिलेटेड है, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग EHS रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शुड पोसेस साउंड नॉलेज ऑफ निबोस मियोस ETC, ये सॉफ्टवेयर है उनका सेफ्टी वाले का। तो ये कोर्स होना चाहिए, इनका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। हाई डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी इन द यूज MS Office अच्छा आना चाहिए और कम्युनिकेटर बोथ ओरल एंड रिटेन और ओरल दोनों में अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। बाकी का डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक इसका बताऊंगा। और ये आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर जॉब जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये सेफ्टी के लिए था, इसमें इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी और डिप्लोमा वाले भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पोस्ट जो है एग्जीक्यूशन इंचार्ज स्टेशंस का है, तो इसमें जो एज है 35 से 45 साल का है। एनीवेयर इन इंडिया आपका जॉब लोकेशन है।
इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मांग रहे हैं सिविल या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में 15 से 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जो मेन एक्सपीरियंस है बॉटम अप मेथड, पाइलिंग, वेल फाउंडेशंस, स्ट्रस इरेक्शन, प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, यह है हेड क्यूए क्यूसी। इसकी जो रिक्वायरमेंट है एज में 35 से 50 साल लिखते हैं और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है ग्रेजुएट सिविल या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग से होना चाहिए। एक्सपीरियंस है 15 से 25 साल का और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा है और उनका एक्सपीरियंस 18 से 28 साल तक मांग रहा है। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर जॉब के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। और अब आते हैं नेक्स्ट वैकेंसी पर, प्रोजेक्ट मैनेजर मेट्रोज। इसमें जो एज लिमिट है 40 से 55 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, एनीवेयर इन इंडिया है। लोकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 20 से 25 साल, सिविल या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस 20 से 25 साल मांग रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप एक बार देख लीजिएगा डिटेल में। अब आते हैं एक और पोस्ट है, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, हेड प्लांट एंड मशीनरी। इसमें एज जो है 40 से 55 साल इसमें भी है, ग्रेजुएट सिविल या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस 15 से 25 साल चाहिए, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बार आप पढ़िएगा। आप अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर जॉब जो बटन है इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स ये तो मेंशन पोस्ट है, ये रिक्वायरमेंट इनकी अभी आई हुई है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, हेड सेफ्टी की, एग्जीक्यूशन इंचार्ज स्टेशंस मेट्रो, हेड क्यूए क्यूसी, प्रोजेक्ट मैनेजर मेट्रोज, हेड प्लांट एंड मशीनरी। और फ्रेशर वाले जो हैं, फ्रेशर वाले को यहाँ पे क्लिक करना है। अब फ्रेशर अप्लाई हेयर आप बटन यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये आपका डिस्क्रिप्शन आएगा। यहाँ पे यूजर आईडी भरना है, फिर पासवर्ड है, वेरिफिकेशन कोड, ये चेंज होते रहता है हर बार जो भी लॉगिन करते हैं। तो अगर आपके पास इसका प्रोफाइल नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा न्यू यू, यहाँ पे आप जाइएगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो आपको नाम भरना है, फिर ईमेल भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है और अपना मोबाइल नंबर भरना है, फिर आप इंटर वेरिफिकेशन कोड। जब ये सब आप भर लेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके मोबाइल पे आएगा इसका पासवर्ड, फिर आप लॉगिन कर पाएंगे और इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो एक और है, जैसे आपके लिए यहाँ पे जो पोस्ट सुटेबल नहीं है तो आप फ्यूचर के लिए जब भी इनका वैकेंसी निकलेगा उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अप्लाई हेयर फॉर फ्यूचर पोजिशंस। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वैसा ही प्रोफाइल आपको क्रिएट करना है। अगर प्रोफाइल नहीं है आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड पहले से, तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, तो ये डिटेल आएगा, फिर आपको वही सेम चीज़ भरना है और रजिस्टर करना है, आपके मोबाइल पे उसका पासवर्ड आ जाएगा, फिर आप आगे का जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है इनको वो आप भर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और ये लास्ट डेट याद रखिएगा 31 मार्च 2021 है अप्लाई का, तो लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इनके यहाँ वैकेंसियाँ आती रहती है, तो ये हो सकता है बीच में भी सिलेक्शन कर सकते हैं। लास्ट डेट का कोई वेट करना ज़रूरी नहीं है, तो आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और उसमें नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और जो भी ऐसे जॉब सर्च कर रहे हैं उनके साथ। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।